एग्जाम्पल नंबर 17। अब बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप लोगों ने ध्यान दे लिया तो भाई आप सारे क्वेश्चन लगा दो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना एसएल के अंदर, एक एक क्वेश्चन लगवा दूंगा, बस आपको चंद बातें याद रखनी है। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा हरामी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ये होगा किस तरह से सॉल्व, ये बहुत ज़बरदस्त है, होगा किस तरह सॉल्व बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक पी क्यू वायर है और क्यू एस वायर है जो कि सेमी सर्कल है, और साथ में एस टी वायर है। इन तीनों वायर के अंदर करंट अगर आई जा रही है तो सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सेंटर ओ पर आपको क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड। देखो किस तरह से सॉल्व होता, जरा इसकी अप्रोच जानने की कोशिश करो। सबसे पहला आप ये देखो कि जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो करंट एलिमेंट से कहां पर है। आप देखोगे कि पी क्यू की स्ट्रेट लाइन में ही है, वो पी क्यू की डायरेक्शन में ही है, मतलब जहां पर पी क्यू वायर निकल के जा रहा है तो वायर की डायरेक्शन में ही है आगे की तरफ को, ठीक है। एस टी वायर को देखो तो एस टी वायर से ये पीछे की तरफ को है, लेकिन है एस टी वायर की ही लाइन में। आपने एक चीज पढ़ लगी थी बायो सेवर्ट के अंदर, तो बायो सेवर्ट में ये कहा गया था कि अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाह रहे हो तो आपको ये काम करना होगा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट एलिमेंट लेना होगा, साथ में आपको पोजिशन वैक्टर लेना होगा। तो थीटा जो आप लगाते थे, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये थीटा जो हुआ करता था, ये लेंथ एलिमेंट जिसको आप करंट एलिमेंट भी कह सकते हो, डी एल वैक्टर और साथ में पोजिशन वैक्टर के बीच का एंगल। अगर मैं पी क्यू वायर लेता हूँ, इतना वायर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए डी एल का काम करेगा इधर से पी से क्यू की तरफ को, और साथ में अगर मैं पोजिशन वैक्टर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो पोजिशन वैक्टर भी डी एल की डायरेक्शन में ही निकल कर आएगा, जिसकी वजह से डी एल और आर वैक्टर के बीच में एंगल 0° बन जाएगा। और आपको बताया साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 होने की वजह से पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, ये मैंने आपको पॉइंट्स में भी लिखवाया था, ठीक है। तो इसका मतलब पी क्यू वायर की वजह से सेंटर ओ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा होगा, क्योंकि पी क्यू वायर का जो एल वैक्टर है वो पोजिशन वैक्टर के साथ 0° का एंगल बना रहा है। इसको आप रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करो कि ओ पॉइंट जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो पी क्यू वायर की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर 0 हो जाएगी। अगर बात करें एस टी वायर की, तो एस टी वायर पर जो लेंथ एलिमेंट है जिसको आप करंट एलिमेंट भी कहते हो डी एल, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस तरफ को है डी एल। और अगर पोजिशन वैक्टर की बात करोगे तो पोजिशन वैक्टर मतलब पीछे है, तो पोजिशन वैक्टर डी एल के साथ 180° का एंगल बना रही है। और आपको पता है साइन 180° की वैल्यू भी 0° मतलब 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। तो आपने देखा यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई थी, यहाँ साइन 180 की वैल्यू 0 है। अब साइन 180° की वैल्यू 0 होने की वजह से एस टी वायर जो है वो सेंटर ओ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, पी क्यू एंड एस टी वायर्स हैव देयर पोजिशन वेक्टर, कितने हैं पोजिशन वेक्टर्स लिखो। पी क्यू का कितना है पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ना दिखा करके एंगल बताओ, एंगल का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पी क्यू एंड एस टी वायर्स हैव एंगल्स 0° एंड 180° विद ओ, ओ मतलब ओ के साथ, पी क्यू एंड एस टी वायर जो है वो ओ के साथ 0° एंगल बना रहे हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से देयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। मैंने तो ये बड़ी शॉर्ट लैंग्वेज लिखवाई है, बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये बताएगा कि भाई पी क्यू का जो पोजिशन वेक्टर है वो डी एल वैक्टर के साथ 0° का एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। एंड जो एस टी वायर है,
एस टी वायर का जो करंट एलिमेंट है डी एल, वो पोजिशन वैक्टर आर के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आप ये लैंग्वेज लिख लो, मना नहीं कर रहा मैं, ये वाली लैंग्वेज लिख लो, नो डाउट आपकी ये भी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में कि पी क्यू एंड एस टी वायर्स हैव एंगल जीरो डिग्री एंड 180 डिग्री विद ओ ओ के साथ जो है इनके एंगल जो है, हालांकि इनके एंगल क्या मतलब वही पोजिशन वैक्टर के एंगल है, लेंथ एलिमेंट्स है, लेकिन शॉर्ट में लैंग्वेज के लिए मैंने ये लिखवा दिया, आप लोग समझ गए। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि जो ओ पॉइंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? चिल्ला का आप बोल दोगे बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू आर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास वायर पूरा सर्कल ना हो करके आधा सर्कल है, तो आधे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आधा हो जाएगा, मतलब म्यू नोट आई अपॉन 4R, 2R का आधा करोगे तो 4R, 2R का जब आधा करोगे तो 4R हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अब जवाब यही देना है, क्या देना है, कुछ इस तरह से देना है, सिंस QRS आर्क आर्क इज ए सेमी सर्कल, इज ए सेमी सर्कल इन शेप एंड ओ इज द सेंटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ आर्क, इस आर्क का सेंटर क्या है, ओ है। सो मैग्नेटिक फील्ड, यार लिखना बहुत पड़ रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर या फिर एट द सेंटर, चलो पूरा लिख दो एट द सेंटर, ओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा सर्कल की वजह से, म्यू नोट आई अपॉन टू आर। सॉल्व करेंगे तो म्यू नोट आई अपॉन फोर आर टेस्ला आंसर, ये आंसर हो गया। वरना आप इसको बायो सेवर्ट लगा करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके आप दिखा सकते हो, तब भी वैल्यू यही आएगी म्यू नोट आई अपॉन फोर आर। क्या उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को थम्सअप जरूर करें, वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। देखो आप लोग वीडियो देखते तो हैं, वीडियो देखते हैं मुझे पता, आज नहीं तो आप कल देखोगे, कल नहीं तो परसों देखोगे, कभी ना कभी देखोगे, तो लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमें भी हमारी वीडियोज़ को भी कोई लाइक कर रहा, पसंद कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो हमें भी लगता है, तो हमें भी लगना चाहिए यार, वरना काम कैसे चलेगा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन तो होना चाहिए। थैंक यू।